अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग बाल कैसे एक कैप को अटैच करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। और ये कैप आपके सामने है और इसके हेयर्स जो हैं उसमें मैंने ब्रेड किए हुए हैं, चुटिया बनाई हुई है। और फ्रंट के जो हैं उनको मैंने कट करके स्मॉल हेयर्स को अटैच किया है। और यहाँ पर मैंने ये छोटी छोटी जो की थी उनको मैंने बड़ी चुटिया के अंदर कर दिया है। और यहाँ पर सिंपल से स्मॉल से छोटे फ्लावर लगे हैं। एक फ्लावर मैंने ऊपर यूज़ किया है जो थोड़ा सा इनसे बड़ा है और नीचे दो छोटे फ्लावर्स। तो ये कैप बच्चियों को बहुत पसंद आती है और इतनी मुश्किल नहीं है। हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको अभी बताऊंगी और शेयर करूंगी। इस कैप को हम लोग अटैच करेंगे। और मैंने आप लोगों को कैप के ट्यूटोरियल में बताया था कि आपने लास्ट रो जो है वो सिंगल क्रोशे की कर लेनी है। ये आपकी कैप की लास्ट रो सिंगल क्रोशे की है। जो पार्ट आप अपना फ्रंट रखना चाह रही हैं, अगर आप इसको सेंटर में फ्रंट रखेंगे तो आप अपने कैप को ऐसे सेट करेंगे। आपने इसको लेफ़्ट साइड पे रखना है तो आप अपनी कैप को फ्लावर को लेफ़्ट साइड पे करेंगे। तो जिस साइड को आप अपना फ्रंट रखना चाह रहे हैं उस साइड पे आप लोगों ने अपने कैप के फ्लावर को कर लेना है। और उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी यार्न जो है वो ज़ाया ना हो तो आप ये स्टिचेस गिन लेंगे और इन स्टिचेस के मुताबिक आप अपनी वूल को ऐसे किसी कॉपी पर रैप कर लेंगे। ये आपके सामने है। जितने लंबे आप अपने कैप के हेयर्स रखना चाह रहे हैं उतनी बड़ी और लंबी आप कॉपी यूज़ करेंगे। और अगर आप छोटे रखना चाह रहे हैं तो छोटी। इसको मैंने गोलाई में दोनों साइड्स पर रैप कर लिया है वूल को, और ऐसे आप रैप कर लेंगे। और एक और आप लोगों को गाइडलाइन दूंगी कि आप हेयर्स के लिए जो वूल यूज़ करेंगे वो आप थिक वाली यूज़ करें। मैं इसमें अलीज़े बरकम यूज़ कर रही हूँ। आप लोग इसमें बैली भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए हेयर्स के लिए वूल जो यूज़ करेंगे वो आप 4-ply यूज़ करें। उससे आपके हेयर्स जो हैं उनकी लुक बहुत अच्छी आएगी। इसको रैप करने के बाद मैं एक साइड से कट कर लूंगी। कट करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल एक जैसे कट करने हैं। ये हमारे हेयर्स जो हैं ये कट हो गए हैं और जो लेंथ आप रखना चाह रहे थे वो आप रख लेंगे। अब मैं यहाँ से हेयर्स को एक एक करके उठाऊंगी और अपनी कैप के साथ अटैच करूंगी। आपने एंड्स को एक जैसा कर लेना है और फिर इस पॉइंट को कैरी कर लेना है। यहाँ पर हम लोग जो फ्रंट का एरिया छोड़ते हैं इन स्मॉल हेयर्स के लिए वो 1/3 हिस्सा होता है हमारी कैप का। तो इसको सर्कमफ्रेंस आपने जब कर लिया कैप का तो आप उसके 1/3 हिस्से को फ्रंट पर छोड़ देंगे जो कि आप अपना फ्रंट रखना चाह रहे हैं। जो सर्कमफ्रेंस आप ले लेंगे कैप का और फ्रंट का 1/3 पार्ट जो है, अगर ये आपकी 60 स्टिचेस बनते हैं तो आप लोगों ने 40 स्टिचेस जो हैं वो छोड़ देने हैं और 20 स्टिचेस फ्रंट के छोड़ देने हैं और 40 में आपने हेयर अटैच कर देने हैं। ऐसे ही आपके सर्कमफ्रेंस के मुताबिक आगे के जो तीसरा हिस्सा होगा उसको आप अपने स्मॉल हेयर्स के लिए छोड़ेंगे। तो इसको मैंने ऐसे रख लिया है बिल्कुल और मैं अटैच करूँगी यहाँ से हेयर्स को। ये पॉइंट जो हमने पकड़ा था इसको हम अपनी क्रोशे हुक से ले लेंगे और फिर ये लूप
में इन दोनों लूप्स को हम लोग गुजार देंगे और इसको टाइट कर देंगे। ये आपके पास आपके हेयर्स अटैच हो जाते हैं। इसको अटैच करने के लिए आप हुक नंबर बड़ा यूज़ करें ताकि आपको दोनों लूप्स को गुजारना आसान हो जाए। अब हम एक एक करके लूप्स को अटैच करते रहेंगे। यहाँ पर देखें, हम दो तरीके से अटैच करते हैं। अगर हुक को हम लोग ऐसे कैप को पकड़ के फ्रंट से इंटर करते हैं तो हमारे पास ऐसे अटैच होंगे हेयर्स, और अगर हम लोग अपनी कैप को ऐसे रख कर अटैच करते हैं तो हमारे पास फ्रंट पर ये वाला लूप आएगा। तो आप एक ही तरह से इसको अटैच करेंगे जैसे आप करना चाहें। मैं इसकी इस साइड से अटैच करूंगी। और टाइट करती जाऊंगी। अब सामने के लूप्स एक जैसे आएंगे। कैप को सामने रख लेंगे। और चेन्स के साथ साथ हम लोग अटैच करते जाएंगे। ये अब हम थ्रू आउट द राउंड अटैच करके, तो मैं आ जाऊंगी यहाँ तक। जी, ये तमाम हेयर्स मैंने लगा लिए हैं। और ये अब जो फ्रंट के हेयर्स हैं वो कैसे लगाए गए हैं, इनका साइज़ जो है वो छोटा काटा काट के वूल का, जितने आप फ्रंट के उसको लंबा रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप काटेंगे और डबल करके चेक कर लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने ये टू स्टिचेस जो हैं वो छोड़े थे, ये आपके सामने मैं अब लगाऊंगी। सेम प्रोसीजर है इनको भी लगाने का, उसी तरह से आपने इनको अटैच करना है। और लगा लेंगे हम लोग। जी, ये सारे अब हमारे जो हैं वो हेयर्स अटैच हो गए हैं। और ये आपके सामने है कि जो सिर्फ वूल के अगर फ्रंट पर रखें तो वो लुक इतनी अच्छी नहीं आती हेयर्स की। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया है, वूल को मैंने सीजर से इसके जो रेशे हैं उनको खोल दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करने से आपके ये रेशे जो हैं ओपन हो जाते हैं और इसकी लुक फ्रंट से हेयर्स की बहुत अच्छी आ जाती है। अब यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर आप किसी भी स्टैंड में अपने कैप को पहनाएंगे या फिर आप अपने किसी भी बॉल एरिया पे, या आपके पास कोई डॉल है आपने उसको कैप जो है वो पहना ली।
अब मैं ये स्टैंड को कैप मैंने पहना ली है और मैंने अपनी कैप का फ्रंट एरिया देख लिया है कि कितना है सामने का हिस्सा, और उस हिसाब से मैंने इसको सेंटर से हेयर्स को हाफ कर दिया। ठीक है, ये आपके सेंटर से हेयर्स हाफ करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ, वैसे हमारा सही से हैंडल जो है वो रुक नहीं रहा था तो मैंने आपको सही से दिखाने के लिए इसको उतार दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है वो छोटी सी चुटिया बनाने के लिए ये पहले जो तीन थ्रेड हमने अटैच किए हुए हैं वो ले लूँगी और यहाँ पर हम लोग ब्रेड बना लेंगे। ये मैंने दोनों साइड्स पर एक एक जो है वो बना दी है, अब हमने एक एक और बनानी है। अगर आप ये एक एक बनाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप ये दो दो बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, और अगर ये आप सारी जो है वो स्मॉल ब्रेड्स करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप इसकी लुक जो है वो डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंट लुक क्रिएट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। या अब आपके सामने जो है वो मैं ब्रेड्स बना रही हूँ छोटी, एक और मैं इस साइड पर बना लूँगी जैसे कि इस कैप में है, दो इस साइड पे और दो मैंने इस साइड पे बनाई हैं, तो आप ऐसे ही बना लेंगे इसको। जी, ये दो दो मैंने बना ली हैं और आपने खुद ही अंदाजन, अगर तो आप अंदाजे से कर सकते हैं तो आपने देखना है कि आपकी कैप का सेंटर क्या बन रहा है और आपने हाफ़ जो हेयर्स हैं वो ले लेने हैं हाफ़। लेकिन अगर आपको अंदाजा से नहीं होता तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं और जितनी आप यहाँ पे छोड़ेंगे उतने ही आप इस साइड पर छोड़ेंगे तो ये आपका एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है वो इसकी बड़ी वाली ब्रेड करनी है और उसके लिए मैं इसको स्टैंड पे लगाऊंगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम होगा, आपने इन बल्लों को भी डिवाइड कर लेना है, फोर फोर मैंने ले लिए हैं और आपने अपनी ब्रेड बनाना शुरू करनी है। यहाँ पर आपने, यहाँ पर जब स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा हाथ जो है उसको लूज़ रखना है, अगर आप टाइट करेंगे तो आपकी उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी जब आपने उसको फ्रंट पे बेबी को पहना के फ्रंट पे करना होगा। अब मैं पहले ये वाली ब्रेड लूँगी और इसको भी इसके साथ बेल दूंगी बीच में। और अब ये वाली, और जब इन दोनों को आप लेंगे तो ये इस तरह लूज होनी चाहिए, जितनी आपकी वहाँ तक लेंथ आती है वहाँ तक आपने उसको लूज रख के फिर आपने उसको ब्रेड में करना है। यहाँ पर ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके लिए अब इसको यहाँ पर बांधने के लिए आपने मैचिंग रबर बैंड्स, छोटे बच्चों के जो रबर बैंड्स होते हैं वो ले लें और उससे मैं यहाँ पर इसको पॉनी कर दूंगी। और इनको हम थोड़ा थोड़ा हैंड से लूज कर देंगे।
ये अब आपके सामने है। और यहाँ पर इसके इनको बराबर करने के लिए मैं एक जैसा कट कर दूंगी। और इन थ्रेड्स को आप अपनी किसी भी उसकी फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एक ब्रेड रेडी। और यहाँ पर मैं इसके लगाने के लिए बहुत प्यारा खूबसूरत सा जो है वो जिस कलर का आपने फ्लावर में यूज़ किया है मेन कलर, उसको मैं यहाँ पर ग्लू गन से अटैच कर दूँगी। यहाँ पर इसकी जो टेल्स हैं उनको मैंने बैक साइड से टाई कर लिया है, और इनको भी अगर आप सामने रखना चाहते हैं तो इनको आपने बराबर कट कर लेना है। और यहाँ पर इसको हम ग्लू गन से अटैच कर देंगे, और इसके ऊपर मैं ये स्मॉल पर्ल्स यूज़ करूँगी। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ ये वाला फ्लावर जो मैंने इस पर ब्रेड पर इस्तेमाल करना है, वो मैंने छोटा बनाया है। और जो मैं कैप के इस साइड पर यूज़ करूँगी ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। हम वूल ले लेंगे अपनी और हम वर्क करेंगे मैजिक सर्कल में। मैजिक सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर हम चेन्स करेंगे, और मैं 5 चेन्स करूँगी। 3, 4, 5 5 चेन्स करने के बाद मैजिक सर्कल के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 5 चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5 और मैजिक सर्कल में स्लिप स्टिच, 1, 2, 3, 4, 5 मैजिक सर्कल में स्लिप स्टिच। अगर आप अपने पेटल्स को थोड़ा सा लंबा रखना चाह रहे हैं तो आप अपने चेन स्टिच को लंबा कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। अगर आप इसको छोटा रखना चाह रहे हैं तो अपनी चेन स्टिच को कम करेंगे। अगर आप अपनी पेटल्स को ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो उतनी टाइम्स आपने करना है। ये 5 टाइम्स वाला फ्लावर है, आप इसको 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ जितनी पेटल्स आप बनाना चाहें उतना कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड स्लिप स्टिच इन मैजिक सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5 स्लिप स्टिच इन मैजिक सर्कल। उसके बाद हम मैजिक सर्कल को क्लोज कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर मैं यार्न को कट कर दूंगी और इसको हम लोग इसमें से निकाल कर सिक्योर कर देंगे। मैजिक सर्कल को अच्छे से क्लोज करने के बाद मैं इन दोनों थ्रेड्स को नॉट लगा दूंगी, और ये 2 टाइम्स नॉट लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। नॉट लगाने के बाद आप अपने फ्लावर को अच्छे से शेप दे देंगे, और आपने दोनों फ्लावर्स जो अपने ब्रेड पे लगाने हैं उनकी टेल्स को इकट्ठे पकड़ के बिल्कुल एक जैसा कट कर लेना। ये आपके 2 फ्लावर्स ब्रेड के रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी सेकंड ब्रेड भी बना लूँगी और फिर हम लोग ग्लू गन से फ्लावर्स अटैच करेंगे। जी अब हमारी जो क्रोशे ब्रेड कैप है वो रेडी है, उस पर मैंने फ्लावर अटैच कर दिया है।
होप कि आपको कैब्स अच्छी लगी होंगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।